अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाबा ने कहा, आपकी जो महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 क्लास संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इन चारों बातों में कहां तक पास हो, क्योंकि इनमें ही आपके मुख्य चार सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ जाता है। तो सबसे पहले ये जांच करो, हम सर्वगुण संपन्न बने हैं या सिर्फ गुण संपन्न बने हैं। दूसरी चेकिंग ये करें कि 16 कला बने हैं या अभी तक 14 कला तक ही पहुंचे हैं। तीसरा, सब मर्यादाएं धारण कर मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए हैं या उसमें भी कुछ कमी है। और चौथी चेकिंग ये करें, संपूर्ण अहिंसक कहां तक बने हैं। संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना या स्वयं दुख लेना, ये भी हिंसा है ना। बाबा ने कहा, जैसे भविष्य स्वर्ग की दुनिया में भले देवता तो सब बनेंगे परंतु पद तो नंबरवार ही होगा, वैसे ही वर्तमान समय संगम पर भी भले फरिश्ते तो तुम सब बनते हो लेकिन होंगे नंबरवार ही। अब हर एक ब्राह्मण ये चेक करे कि हम किस पोजीशन तक पहुंचे हैं, माया की अपोजिशन ज्यादा है या अपनी पोजीशन की स्टेज ज्यादा है। बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी आप हो, तो अभी सारे विश्व की आत्माओं की आप घड़ियों के ऊपर नजर है कि कब ये घड़ियां समाप्ति का समय दिखाएंगी। क्या आपको मालूम है आपकी घड़ी में कितना बजा है? आप औरों को बताने वाले हो या पूछने वाले हो? बाबा कह रहे हैं कि क्या आपको मालूम है कि परिवर्तन कब होगा, विनाश की डेट कौन सी है? आप औरों को बताने वाले हो या पूछने वाले हो? ये हलचल तो नहीं होती कि क्या होगा, कब होगा, होगा भी या नहीं। सदा याद रखो, आप आधार मूर्त आत्मा हो, इसलिए कभी हलचल में नहीं आ सकते। तुम्हें तो सदा अचल रहना है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।